जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं SHP OER क्वेश्चंस जो बेस्ड है ट्रू फॉल्स प्रोबेबल और एब्स्ट्रैक्ट में। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोबेबल और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोबेबल यानी कि लाइकली टू बी ट्रू, यानी कि ये सही हो सकता है, और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जो इलॉजिकल होता है, यानी कि जिसका सर हाथ पाँव नहीं है, यानी कि बिल्कुल बेतुका सेंटेंस होता है। हम आगे में देखेंगे कि कैसे वो सेंटेंस होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला है टुडे स्टूडेंट आर नॉट एज ओबीडिएंट एज दे वर इन ओल्डर डेज, यानी कि आज का जो विद्यार्थी है वो उतना सिंसियर नहीं है जो कितना पहले हुआ करता था। तो ऐसा हम कह नहीं सकते, ये एक प्रोबेबल होगा, आज का भी विद्यार्थी ओबीडिएंट हो सकता है। नेक्स्ट, मिल्की वे गैलेक्सी इज अ गैलेक्सी फ्रॉम विच वी गेट मिल्क वेन इट रिंग्स। तो ये जो सेंटेंस है हम देख रहे हैं यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जो लिखा है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल लिखा है। जहाँ से हमें दूध मिलता है ये क्या है, ये इलॉजिकल सेंटेंस है, यानी कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है, फ्रांस इज वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो हम सबको पता है कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस भी है, तो ये आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है, टुडेज यूथ बिलीव इन अ लेट मैरिज। तो ये सेंटेंस को देख के हमें पता चलता है कि एक प्रोबेबल सेंटेंस है, किसी को जल्दी पसंद है किसी को लेट, यानी कि ये सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो हम कह नहीं सकते ये सेंटेंस है प्रोबेबल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंडिया विल विन नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये क्वेश्चन भी प्रोबेबल है, क्योंकि ये जीतेंगे हम बिल्कुल डेफिनेटली एकदम परफेक्ट है ये कह नहीं सकते, तो प्रोबेबल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अ रेनबो इज अ बो दैट इज मेड अप ऑफ कलरफुल वुड। बो यानी कि धनुष, यानी कि रेनबो जो एक धनुष है जो कलरफुल लकड़ियों का बना होता है। तो ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, यानी कि बिल्कुल इलॉजिकल बात की है, तो इसका आंसर है एब्सर्ड, यानी कि बिल्कुल इलॉजिकल। नेक्स्ट है, इंडिया इज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत बहुत पॉपुलेट है, वर्ल्ड्स पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसका आंसर ट्रू है। सबसे पहले इंडिया आता है, फिर अब चाइना आता है। नेक्स्ट इज, टुडेज जनरेशन इज मोर करप्ट व्हेन कंपेयर टू ओल्डन डेज, यानी कि आज का जो जनरेशन है वो ज़्यादा करप्ट है पुराने दिनों के हिसाब से। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि पहले करप्शन कम था अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये बिल्कुल फॉल्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इज अ काइंड ऑफ फोन यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, यानी कि ऑटोमोबाइल यानी कि कार यानी व्हीकल एक ऐसा फ़ोन है जिससे हम वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, इलॉजिकल सेंटेंस दिया गया है। नेक्स्ट, पेपर विच इज वाइडली यूज फॉर राइटिंग पर्पस इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि पेपर जो हम लिखने के लिए यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल, हाँ वुड से बनता है, बाम्बू से बनता है, यानी कि ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज, समर सीजन स्टार्ट्स इन इंडिया इन मंथ ऑफ नवंबर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल फॉल्स है, समर सीजन नवंबर में नहीं चालू होता है हमारा, समर सीजन होता है मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है और जून तक, मई जून तक खत्म हो जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड विच इज ब्लैक इन कलर, यानी कि कोयला जो है उसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि वो एक गोल्ड है जो ब्लैक कलर का होता है। ये सेंटेंस बिल्कुल ही बेकार है, इलॉजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन थे SHP OER के जो आते हैं। सो सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, यू हैव टू जस्ट कीप मूविंग। Subscribe for more videos. Thanks for watching.